Hello students, today we are going to start with the second part, that is separating the component of a mixture, which is given in the page number 19 in your NCERT book. Okay, see students, before starting the separation technique, let me clear you one thing. क्या सेपरेशन टेक्निक में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेक्निक का नाम पता रहना चाहिए और वो टेक्निक हम किस टाइप के मिक्सचर के लिए अप्लाई करते हैं ये पता रहना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, तो उसके बारे में उसका प्रोसीजर अगर हम पूरे डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन आपको बेसिकली सिर्फ नाम पता होना चाहिए और किस तरह के मिक्सचर के लिए वो टेक्निक अप्लाई होती है ये पता रहना चाहिए. और उसी के अकॉर्डिंग आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, यूजुअली मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज कंसिडर्ड एज एन इम्प्योर सब्सटेंस ड्यू टू विच इट्स यूज गेट लिमिटेड. मतलब वो एक इम्प्योर सब्सटेंस होने के कारण उसका यूजेस जो है वो बहुत कम जगह यूज हो पाता है. तो उसको यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू प्योरीफाई मिक्सचर और वी नीड टू सेपरेट इट इंटू इट्स इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट. दैट इज वाई वी आर यूजिंग अ मेथड विच इज नोन एज सेपरेशन टेक्निक. ओके सी स्टूडेंट, इस पार्ट में हम सेपरेशन टेक्निक का नाम पढ़ेंगे. टोटल 10 सेपरेशन टेक्निक होती है जो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है. ठीक है, तो इसमें हम इसका नाम और उसका वर्किंग और कौन सी सेपरेशन टेक्निक किसको सेपरेट करने के लिए यूज होती है ये मैं आपको बताऊंगी. ठीक, नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक, दैट इज इवोपरेशन. इवोपरेशन क्या होता है ये हम लोगों को अच्छे से पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था. इवोपरेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इंटू गैशियस स्टेट बिफोर रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट. इट इज नोन एज व्हाट? इवोपरेशन. इवोपरेशन क्या होता है ये समझ में आया? अब इवोपरेशन से भी हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा था इवोपरेशन में, टू सेपरेट डाई एंड वॉटर इन इंक. अब इंक जो है दो चीजों से मिलके बनती है, हम जानते हैं इंक में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डाई एंड वॉटर. दोनों को मिला देते हैं तो मेरे को क्या मिलती है? इंक. चाहे मैं ब्लू इंक की बात करूं चाहे ब्लैक इंक की बात करूं, ब्लू इंक में ब्लू कलर का डाई प्रेजेंट है, ब्लैक इंक में ब्लैक कलर का डाई प्रेजेंट है और उस डाई के साथ और क्या ऐड रहता है? वॉटर. अब मेरे को डाई को अलग और वॉटर को अलग करना है तो मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ? इवोपरेशन. नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोसीजर फॉर इवोपरेशन. फॉर दिस वी आर सपोज टू हैव वन बर्नर. Along with that, we need a beaker and watch glass and definitely ink, because we are doing the separation of the component of ink, that is dye and water. दोनों को ही अलग करना है हमको, तो तीन चीजों की जरूरत है. आया समझ में? Now what we are going to do, we are going to double boil the ink with the help of a beaker which is filled with water. अब हम क्या कर रहे हैं, इंक को अगर मैं डायरेक्टली फ्लेम प्रोवाइड करती हूँ तो वो जल जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसको डबल बॉइल कर रहे हैं. कैसे डबल बॉइल कर रहे हैं? यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी गर्म किया और उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखा, उसके ऊपर इंक डाला. ठीक है, डायरेक्टली नहीं हीट कर रहे हैं. ठीक है, इस प्रोसीजर को बोलते हैं डबल बॉइलिंग. ठीक है, अब इसमें इंक डाला और जैसे ही मैं इसको फ्लेम को चालू करती हूँ तो वाटर बॉइल होएगा और उस हीट के कारण क्या होएगा? अब देखिए, इंक किस चीज से बना हुआ है? डाई प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन है. अब हम जानते हैं वाटर का नेचर. वाटर क्या होता है? जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि वो अपना स्टेट चेंज कर देता है क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे. तो जैसे ही मैंने हीट दी वो टेम्परेचर बढ़ा और वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, तो यहाँ पे पीछे क्या बच जाएगा? डाई. एंड दिस इज अ मैथड टू सेपरेट डाई एंड वॉटर, एंड दिस मैथड इज नोन एज वॉट? इवोपरेशन. स्टूडेंट, बुक में एक लाइन और लिखी हुई है, दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कॉम्पोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवोपरेशन. अब कई बार ये बोल देता है, नेम द टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कॉम्पोनेंट. अब वोलेटाइल मतलब क्या होता है? विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इंटू वेपर स्टेट. और यहाँ पे कौन वेपर स्टेट में जल्दी कन्वर्ट हो पा रहा था, इजिली कन्वर्ट हो पा रहा था? कौन था वो? वॉटर. वॉटर कौन सा सब्सटेंस है? वोलेटाइल सब्सटेंस. नॉन वोलेटाइल मीन्स सब्सटेंस विच के नॉट बी इजिली इवोपरेट, जो वेपर स्टेट में इजिली इवोपरेट नहीं हो पाते, ये क्या कहलाते हैं? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट. अगर इस तरीके का हमको कोई भी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का कॉम्बिनेशन दिया है, इसको सेपरेट करना है, तो कौन सी सेपरेशन टेक्निक लगती है? कौन सी लगेगी? इवोपरेशन. Now see the next separation technique, that is centrifugation. In case of centrifugation, we take the example,
टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क व्हाट टेक्निक वी अप्लाई सेंट्रीफ्यूगेशन. अब हमने देखा है जैसे हम फुल क्रीम मिल्क लेते हैं ठीक है, उसमें से मेरे को क्रीम अलग करनी है तो मैं क्या करती हूँ, क्या कर रही हैं हम लोग, वी हैड सीन दैट टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क व्हाट वी डू, वी टेक दैट पर्टिकुलर मिल्क इन अ पर्टिकुलर कंटेनर दैट एंड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेट मशीन व्हाट वी डू, वी रोटेट दैट मिक्सचर एट वेरी हाई स्पीड. जैसे ब्लेंडर अगर देखा है ना, उसी तरीके से हम समझ सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, उसमें हम मिक्सर को रखते हैं और उसको बहुत हाई स्पीड में रोटेट करते हैं. बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो इसमें आपके ज्यादा डेंसर पार्टिकल है वो बॉटम में रह जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर रह जाते हैं जब आप मिक्सर को बहुत हाई स्पीड से रोटेट करते हैं. ठीक है, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद द थर्ड सेपरेशन टेक्निक, दैट इज सेपरेटिंग फनल. In case of separating funnel, it is basically used to separate oil and water. अब ये basically oil and water मतलब दो liquid को जो आपस में mix नहीं होते हैं, उस तरीके के अगर मेरे को components को separate करना है आपस में तो मैं कौन सी technique apply करती हूँ, separating funnel. अब ये जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, How we can separate a mixture of two immiscible मतलब होता है liquid which cannot be mixed together, that liquid is known as immiscible liquid. अगर मेरे को immiscible liquid को separate करना है, take the example of oil and water, तो मैं कौन सी technique apply करती हूँ, हमारे सेपरेटिंग फनल जो आपस में मिक्स नहीं होते ऐसे लिक्विड के लिए. ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है इसका. प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ सेपरेटिंग फनल. ठीक है, द सेपरेटिंग फनल इज देयर, हियर द स्टॉप कॉक इज देयर. ठीक, अब इसमें मैंने ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर लिया. अब इस मिक्सचर को आई अलाउ दिस मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, एक दो दिन के लिए या कुछ आर्स के लिए मैंने छोड़ दिया. तो मैं देखूंगी जो ऑयल है वो आपके ऊपर साइड कलेक्ट हो जाएगा और वाटर नीचे साइड. तो मैं क्या करूंगी, जैसे स्टॉप कॉक को ओपन किया तो नीचे से पूरा का पूरा क्या सेपरेट हो जाएगा, पानी अलग कर सकती हूँ मैं, और जैसे ऑयल तक रीचेगा वापस स्टॉप कॉक को लगा दिया तो ये दोनों चीज सेपरेट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सेपरेटिंग फनल. काय के लिए यूज हो रहा है, फॉर द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड. ओके, नाउ सी द फोर्थ टेक्निक, दैट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में हमने लिखा है टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट. सब्लिमेशन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था. सब्लिमेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इंटू गैसियस स्टेट और गैस चेंजेस डायरेक्टली इंटू सॉलिड स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. अब बात ये उठती, सब्लिमेशन अप्लाई कब करेंगे, सब्लिमेशन कब अप्लाई करेंगे, तो कब अप्लाई करेंगे, जब आपको जो मिक्सचर दिया हुआ है उसमें एक आध कंपोनेंट क्या है, सबलाइन कंपोनेंट है. तो हम उस सिचुएशन में हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, सब्लिमेशन. ठीक है, लेट अस सी द प्रोसीजर ऑफ सब्लिमेशन. इसमें एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट. अब अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को सेपरेट करना है सब्लिमेशन के थ्रू. तो हम लोग क्या करें, वी हैव टेकन अ बर्नर, वी हैव टेकन वन चाइना डिश एंड वी हैव ऑल्सो टेकन द इन्वर्टेड फनल और यहाँ पे कॉटन प्लग भी लगाया. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे हीट करेंगे, सबलाइन सब्सटेंस क्या होता है, डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है. और हम जानते हैं अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ सबलाइन सब्सटेंस लेकिन सॉल्ट नहीं है. तो ये सबलाइन सब्सटेंस है तो ये क्या होएगा, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, गैस बन के. और पीछे क्या रह जाएगा, सॉल्ट. इस तरीके से सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड या कोई भी सबलाइन सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक, दैट इज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी, क्रोम कलर्स आपने सुना है ना, बचपन में हम लोग यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं कुछ भी कलर करने के लिए. क्रोम मतलब जिसमें अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर रहते हैं, इसलिए इसको क्रोम कलर्स बोलते हैं. मतलब अगर बहुत सारे कलर्स को मेरे को सेपरेट करना है तो मैं कौन सी टेक्निक लगाऊंगी, क्रोमेटोग्राफी. आया समझ में. नाउ इसमें एग्जांपल में भी हमने लिखा है टू सेपरेट कलर्स इन डाई. ऊपर देखिए, जब मेरे को इंक से, इंक किसका कॉम्बिनेशन था, डाई प्लस वाटर का था. अब मेरे को डाई और वाटर को अलग करना है तो इवेपोरेशन लगाए, लेकिन डाई भी बहुत सारे कलर्स से मिलके बनती है,
उसको अलग करना है तो मैं क्या यूज करती हूँ, क्रोमेटोग्राफी। ओके नाउ स्टूडेंट, लेट अस सी द प्रोसीजर फॉर क्रोमेटोग्राफी। इट इज गिवन द पेज नंबर 21। फाइन, ओके नाउ फॉर दिस वी टुक अ क्रोमेटिक पेपर, फिगर ए में एक पेपर लिया हुआ है, एंड वॉट वी डू, वी फर्स्ट ड्रॉ द लाइन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उसमें हमने नीचे से एक लाइन खींची और उसके बाद क्या किया, इसके सेंटर में वॉट वी डू विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हमने एक कुछ इंक ड्रॉप की, रेड कलर की इंक डाली हुई दिख रही है। इतना प्रोसीजर समझ में आया, पहला फिगर आपको समझ में आया। अब सेकेंड फिगर में देखिए, सेकेंड फिगर में हम लोगों ने क्या किया है, एक जार लिया है, एक ग्लास रॉड लिया है, ठीक है, और ये जो पेपर यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया, इस पेपर में जो लाइन ड्रॉ की और इंक लगाया सेंटर में नीचे से, ठीक है, तो इस पेपर को इस ग्लास रॉड में जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी भरा है उसको इस पेपर को डाल दिया। और डालूंगी कैसे कि ये पूरा का पूरा पानी में ना भीगे, कि सिर्फ नीचे के कुछ पोर्शन यहाँ तक पानी में वो रहे। आया समझ में? अब इससे क्या होएगा, जैसे ही मैं इसको इस ग्लास रॉड को कुछ दिन तक छोड़ दूंगी, कुछ दिन छोड़ोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। तो आप क्या देखोगे, ये जो इंक है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ये जो इंक है ये पूरी यहाँ से ऊपर फैल जाएगी, और जैसी फैलेगी इट गेट ब्रेक इनटू डिफरेंट कलर, एंड दिस इज हाउ वी यूज टू सेपरेट डिफरेंट कलर विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ओके ये कहाँ कहाँ यूज होती है यहाँ पे आपकी बुक में और मेंशन है, एक बार एक रीडिंग जरूर करिएगा। ओके नाउ सी द नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक, दैट इज डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल में लिखा है हमने एसीटोन एंड वॉटर, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि डिस्टिलेशन है क्या। बेसिकली क्या होता है डिस्टिलेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, ऐसे मिक्सचर को जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और ऐसे मिक्सचर को मेरे को सेपरेट करना है तो मैं टेक्निक क्या अप्लाई करती हूँ उस टाइम, हमारा डिस्टिलेशन, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, क्या लिखा एग्जाम्पल, एसीटोन एंड वॉटर। अब इसके प्रोसीजर को समझने से पहले सबसे पहले देखिए, वाटर इसका बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का होता है 56 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं तो कितना डिफरेंस होएगा, 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है, और ऐसे कंपोनेंट को मेरे को सेपरेट करना है जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा अंतर है, तो उसके लिए मैं क्या टेक्निक लगाती हूँ, डिस्टिलेशन। अब लेट अस बिगिन विद द प्रोसीजर, इट इज ऑल्सो गिवन इन द पेज नंबर 21 इन योर बुक, द डायग्राम इज देयर। अब डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट वी हैव टेकन, क्या क्या चीजें ली हमने, एक बर्नल लिया, ठीक है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क कहलाता है, एक थर्मामीटर लिया, ठीक है, एक वाटर कंडेंसर लिया, ये वाटर कंडेंसर आपको दिख रहा है पानी भरा हुआ, एक टेस्ट ट्यूब टाइप का जो पाइप के ऊपर लगा हुआ है ना, और एक क्या लिया, बीकर लिया, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर है एसीटोन और किसका, एसीटोन और वाटर का, उसको इस फ्लास्क में डालेंगे और इस बर्नर की हेल्प से इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हीट करना स्टार्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले गैसियस स्टेट में कौन चेंज होगा बताइए, डेफिनेटली एसीटोन, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर को 100 डिग्री लगेगा, इसको 56। जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर 56 आया, एसीटोन किसमें कन्वर्ट हो गया, गैशियस स्टेट, और जैसे ही यहाँ से गैशियस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से पास होना चालू कर देगा। अब हमको तो दोनों लिक्विड स्टेट में ही अलग अलग चाहिए, दोनों को ऐसे ही सेपरेट करना है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक वाटर कंडेंसर। इससे क्या होएगा, जो गैस में बदलाव है एसीटोन, उसको क्या करेगा ये कंडेंसर, ठंडा करेगा, क्योंकि वाटर भरा हुआ है पूरा, ठीक है, ठंडा वाटर भरा हुआ है। अब जैसे ये कंडेंसर की हेल्प से ये ठंडा होके वापस किसमें, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा और इस पर्टिकुलर बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ डिस्टिलेशन। ओके नाउ सी द नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए आपकी बुक में लिखा है पेज नंबर 22 में, यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड, मिसेबल मतलब जो मिक्स हो जाता है, ओके,
फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, और सेल्सियस में बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरे को ऐसे लिक्विड को सेपरेट करना है जिनका आपका डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट में, अगर सेल्सियस की बात करूं तो 40 डिग्री से कम है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, ठीक है, तो ऐसे लिक्विड के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। नाउ लेट अस सी द प्रोसीजर फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक पेज नंबर 22, ओके। अब सबसे पहले हमको चीजें क्या क्या लगेगी, वॉट वी नीड अ थर्मामीटर, वी नीड अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बेसिकली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ कॉलम विच इज पैक्ड विद ग्लास बीड्स। अब इसमें ग्लास बीड मतलब कांच के टुकड़े डले हुए हैं ताकि जो चीजें यहां से पास हो उसको थोड़ी रुकावट हो जाने में, रास्ते में जैसे हम लोग पत्थर रख देते तो हटा हटा के जाना पड़ता है ना, वैसी यहाँ पे इसीलिए ग्लास बीड का यूज किया हुआ है ताकि जो चीजें पास हो वो देरी से पास हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज यूज हुई है, डैट इज द सेम वॉटर कंडेंसर, अगेन वी आर होल्डिंग वन बीकर, ओके। नाउ द डायग्राम इज सेम, ऑलमोस्ट सेम, देखिए पूरा सेम है लेकिन बस यहाँ पे एक एडिशनल फीचर है, डैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ओके। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या यूज है, जैसे मैंने बताया आपको कि हम इसमें ऐसे लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस से कम या 25 केल्विन से कम जिनके में डिफरेंस रहता है, उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक गैस पास हुई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो पास हुई, ठीक है, वो पास हुई, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास हो गई, फिर वाटर कंडेंसर में गई और यहाँ पे कलेक्ट हो गई। जब तक दूसरी गैस यहाँ से पास होगी और फर्स्ट वाली गैस यहाँ पहुंचेगी, समझ में आया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज, एंड दिस इज अ वे हाउ वी वर्क इन केस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन इट इज अ प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अगर कोई प्योर सॉलिड सब्सटेंस मेरे को चाहिए एक इम्प्योर सैंपल से, तो मैं क्या प्रोसेस यूज करती हूँ, क्रिस्टलाइजेशन, इम्प्योरिटीज हटाने के लिए बेसिकली ये सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है सॉल्ट एंड इम्प्योरिटी, जो हमको समुद्र से नमक मिलता है उसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी आती हैं, अगर मेरे को उनको सेपरेट करना है तो मैं क्या यूज करती हूँ, प्रोसीजर क्रिस्टलाइजेशन, ओके। सी स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि कैसे इसको परफॉर्म करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया कि इट इज यूज टू ऑब्टेन द प्योर सॉल्ट एंड इट इज यूज बेसिकली टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉल्ट, वी कैन से इन दैट वे ऑल्सो, ओके। तो देखिये, जब मेरे को पानी से सॉल्ट को अलग करना है, सॉल्ट फ्रॉम सी वॉटर अगर मेरे को सेपरेशन करना है, तो वॉट सेपरेशन टेक्निक आई अप्लाई, इवापोरेशन। कोई भी चीज से पानी अलग करना मतलब टेक्निक क्या अप्लाई करे, इवापोरेशन। लेकिन अभी भी जो नमक मिला है मेरे को वो क्या है, सॉल्ट क्या है, इम्प्योर स्टेट में, क्योंकि उसके साथ समुद्र की बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी एडेड है। तो उस स्टेज में अगर मेरे को प्योर सॉल्ट चाहिए तो मैं प्रोसीजर क्या अप्लाई करती हूँ, क्रिस्टलाइजेशन। नाउ प्रोसीजर क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन का, इन फॉर डूइंग क्रिस्टलाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ बीकर एंड वी एड सम वॉटर इन टू इट, ठीक है। एक बीकर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे और उसको नीचे से फ्लेम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और उसमें कंटिन्यूअसली हम क्या करेंगे, सॉल्ट को ऐड करते जाएंगे। कब तक ऐड करेंगे, जब तक वो मिक्सर में अगर हम सॉल्ट डाल रहे हैं और वो घुलना बंद ना करे, जब तक हम उसमें सॉल्ट ऐड करते जाएंगे और उसको नीचे से फ्लेम प्रोवाइड करते जाएंगे और कंटिन्यूअसली उसको स्टिर भी करेंगे, ठीक है। अब जब ये सिचुएशन आएगी कि जब सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो गया तो हम सॉल्ट ऐड करना बंद कर दिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और वो जो बीकर था उसको उठा के नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है। अब ठंडा होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, तार लेंगे, उसमें एक काड़ी बांधेंगे, ठीक है, और वो जो मिक्सर जो हमारा ठंडा हुआ उसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर की हेल्प से फिल्टर कर देंगे और वो जो स्ट्रिंग हमने ली उसको उस जार के अंदर डाल देंगे, ठीक है, और उस मिक्सर को एक दो दिन के लिए छोड़ देंगे। तो हम दो दिन बाद या तीन दिन बाद, जितना भी आप टाइम देना चाहें,
तो हम देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स ऑब्टेंड हो गए प्योर सॉल्ट के, एंड दिस प्रोसीजर इज नथिंग बट द प्रोसीजर फॉर क्रिस्टलाइजेशन टू ऑब्टेन द प्योर सॉल्ट फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक, मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन में एग्जाम्पल हमने लिखा है आयरन पेन एंड सैंड. ठीक है, अब मैग्नेटिक सेपरेशन डेफिनेटली नाम से ही क्लियर है क्या होता है. इट इज बेसिकली अ सेपरेशन टेक्निक इन विच व्हाट वी डू, वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट. व्हेन वी ब्रिंग द मैग्नेट नियर द मिक्सचर व्हाट विल हैपन, द आयरन पार्टिकल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट एंड द अदर कंपोनेंट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, एंड दिस इज द वे हाउ वी परफॉर्म द मैग्नेटिक सेपरेशन. ओके, आया समझ में? इसे मैंने आपको बताया मैग्नेटिक सेपरेशन होता क्या है, उसको परफॉर्म कैसे करेंगे. जो भी मिक्सचर में मतलब आयरन के पीसेज या कोई मेटलिक पीसेज हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक चुंबक लेके आएंगे उसके पास. जैसे ही वो मिक्सचर के पास हम चुंबक लेके आते हैं, टेक द एग्जाम्पल ऑफ आयरन एंड आयरन पिन एंड सैंड. आयरन पिन और सैंड आपस में मिली हुई है, तो जैसे मैग्नेट को मैं लेके आऊंगी इस मिक्सचर के पास, तो आयरन पिन जो है मैग्नेट में आ जाएगी, ठीक है, और पीछे क्या बच जाएगी, सैंड. तो इस तरीके से ये दोनों चीज अलग हो जाएंगे, एंड दिस प्रोसीजर इज नथिंग बट द मैग्नेटिक सेपरेशन. ओके, नाउ सी द लास्ट सेपरेशन टेक्निक, दैट इज विनोइंग. फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज विनोइंग. विनोइंग क्या होता है, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस टू सेपरेट द कंपोनेंट, द लाइटर कंपोनेंट फ्रॉम द हेवियर कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ विंड. विंड की हेल्प से हम लाइटर और हेवियर कंपोनेंट को अलग करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लिखा है, विट ग्रेन एंड हस्क. हस्क क्या होता है, जो गेहूं के दाने के ऊपर जो छिलका लगा रहता है ना, डैट इज नोन एज हस्क. ओके फाइन, नाउ देखिए इसमें जो प्रोसीजर है उसको समझने के लिए स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिखा रही है उसको जो देखिए, है ना, उसमें जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोगों ने वीट ग्रेन्स और हस्क को लिया है उसको देखिए. उसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, डैट इज नोन एज सूपा. अब उसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं हाइट स्पीड से, रोटेट करते हैं, ठीक है, अपने हाथ की हेल्प से. तो क्या होता है, जो उसके हस्क रहते हैं वीट ग्रेन में लगे हुए, वो लाइटर कंपोनेंट है, तो वो क्या होंगे, अलग सेपरेट हो जाएंगे, और जो हैवियर कंपोनेंट है वो पीछे अलग रह जाएंगे. आया समझ में? एंड दिस इज अ प्रोसीजर फॉर डूइंग द विनोइंग.